आज इस वीडियो में हम दुनिया की एक और खूबसूरत जगह के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वहाँ किस तरह के जीव पाए जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइबेरिया रूस का एक विशाल और बीहड़ क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 13.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है और जो यूराल पर्वतों से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। वास्तव में यदि साइबेरिया अपना एक देश होता तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश होता। साइबेरिया का अधिकतर हिस्सा एशिया में स्थित है और यह बर्फीली ठंड, वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और अधिकांश भाग जंगली और अविकसित है। साइबेरिया में तापमान अत्यंत ठंडा होता है, खासकर सर्दियों में जब तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ ओब, येनिसी और लीना है, जो पूरे साइबेरिया को पार करती हैं और अंत में आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया के ताजे सतही पानी का 20% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है, जिसकी गहराई 5,387 फीट है। बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी झील मानी जाती है, जिसकी आयु लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष है। सर्दियों में पूरी झील जम जाती है और कुछ जगहों पर बर्फ की मोटाई 6.5 फीट तक होती है। गर्मियों में तूफान के कारण लहरें उठती हैं, जो 14.8 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। चलिए अब साइबेरिया के बारे में कुछ और रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। साइबेरिया में स्थित याकुत्स्क को पृथ्वी का सबसे ठंडा शहर कहा जाता है, जहां जनवरी में औसत तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। साइबेरिया दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन का घर है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक ट्रांस साइबेरियन ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में एक सप्ताह लगता है। रूस का अधिकांश कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पश्चिमी साइबेरिया से आता है, जहां प्राकृतिक भंडार 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं। साइबेरियाई क्षेत्रों के कारण रूस दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है। चलिए अब साइबेरिया में रहने वाले प्राणियों के बारे में भी जान लेते हैं। साइबेरिया क्षेत्र सहित पूरे रूस में लगभग 266 स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इस एक वीडियो में सभी के बारे में चर्चा करना मुश्किल है। हम इनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय स्तनधारियों के बारे में चर्चा करेंगे। साइबेरिया के स्तनधारी जीव। साइबेरिया की ठंडी और कठोर जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों ने अपने आप को विशेष रूप से अनुकूलित किया है। यहाँ की विविधतापूर्ण जीव विविधता और अद्वितीय पर्यावरण में कई स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख स्तनधारी प्रजातियाँ जो साइबेरिया में पाई जाती हैं, उनमें शामिल है साइबेरियन टाइगर, साइबेरियाई बाघ जिसे अमूर बाघ भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बाघ है। यह मुख्य रूप से रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी मोटी फर और बड़ी शारीरिक संरचना इसे ठंडे मौसम में जीवित रहने में मदद करती है। साइबेरियन ब्राउन बियर, साइबेरियाई भालू जो कि यूरेशियन ब्राउन बियर का एक उपप्रकार है, साइबेरिया के विस्तृत जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भालू शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। रेंडियर, रेंडियर या कारिबू साइबेरिया के उत्तरी टुंड्रा और बोरियल वनों में पाए जाते हैं। ये अपने खुरों की मदद से बर्फ खोदकर भोजन प्राप्त करते हैं। साइबेरियाई इबेक्स, साइबेरियाई इबेक्स ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। इसके बड़े सींग और मोटे फर इसे ठंड और शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। वुल्वरिन, वुल्वरिन एक मजबूत और साहसी मांसाहारी स्तनधारी है, जो बर्फीले जंगलों और टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अपने बड़े पंजों और मोटी फर के साथ ठंडे मौसम में जीवित रहता है। आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक लोमड़ी साइबेरिया के उत्तरी टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी सफेद फर इसे ठंड से बचाती है और बर्फीले परिवेश में छिपने में मदद करती है। मस्कॉक्स, मस्कॉक्स साइबेरिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। इसकी मोटी फर और मजबूत शारीरिक संरचना इसे अत्यधिक ठंड में जीवित रहने में मदद करती है। साइबेरियाई लिनेक्स, साइबेरियाई लिनेक्स जो कि एक प्रकार का जंगली बिल्ली है, साइबेरिया के घने जंगलों में पाया जाता है। इसकी मोटी फर और तेज पंजे इसे शिकार करने में मदद करते हैं। आर्कटिक हेयर, आर्कटिक हेयर साइबेरिया के उत्तरी टुंड्रा में पाया जाता है।
इसका सफेद फर इसे ठंड से बचाता है और बर्फीले क्षेत्रों में छिपने में मदद करता है। साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की एक मध्यम आकार का कामकाजी स्लेज कुत्ता नस्ल है। यह अपने घने फर वाले डबल कोट, सीधे त्रिकोणीय कान और विशिष्ट चिन्हों से पहचाना जा सकता है। साइबेरिया के पक्षियाँ। साइबेरिया में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। आम तौर पर विभिन्न समय में लगभग 400 प्रजातियों के पक्षी यहाँ रहते हैं, जो इस क्षेत्र की विविध जलवायु और पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित कर चुके हैं। यहाँ की ठंडी और कठोर जलवायु, घने जंगल, टुंड्रा और विशाल नदी प्रणालियाँ पक्षियों के विविध समूहों के लिए निवास स्थान प्रदान करती है। कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ हैं। साइबेरियाई क्रेन। साइबेरियाई क्रेन एक लुप्त प्राय प्रजाति है, जो साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा में प्रजनन करती है और सर्दियों में दक्षिण की ओर प्रवास करती है। यह अपनी विशिष्ट सफेद रंग और लाल चेहरा के लिए जाना जाता है। हूपर स्वान। हूपर स्वान साइबेरिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यह अपनी लंबी गर्दन और सफेद पंखों के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी भी ठंडे मौसम में दक्षिण की ओर प्रवास करता है। स्टेलर सी ईगल। यह ईगल साइबेरिया के पूर्वी तटों पर पाया जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी ईगल्स में से एक है और इसे इसकी विशिष्ट सफेद पंखों और मजबूत चोंच के लिए पहचाना जाता है। साइबेरियाई जे। साइबेरियाई जे एक छोटा और सुंदर पक्षी है, जो ताइगा के घने जंगलों में पाया जाता है। यह अपने भूरे और लाल रंग के पंखों के लिए जाना जाता है। रोसी फिंच। रोसी फिंच साइबेरिया के ऊंचे पहाड़ों और टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पक्षी अपनी गुलाबी पंखों और सफेद पेट के लिए प्रसिद्ध है। व्हाइट टेल्ड ईगल। व्हाइट टेल्ड ईगल साइबेरिया की झीलों और नदियों के पास पाया जाता है। यह एक बड़ा और शक्तिशाली शिकारी पक्षी है, जिसे उसकी सफेद पूंछ और विशाल पंखों के लिए जाना जाता है। उरल आउल। उरल आउल साइबेरिया के घने जंगलों में पाया जाता है। यह अपने गोल चेहरे और बड़ी आंखों के लिए जाना जाता है। लेजर स्पॉटेड ईगल। लेजर स्पॉटेड ईगल साइबेरिया के दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। यह एक मध्यम आकार का ईगल है, जो घास के मैदानों और खुले जंगलों में रहता है। साइबेरिया के पक्षियों ने ठंडे और कठोर मौसम में जीवित रहने के लिए कई अनुकूलन किए हैं। कई पक्षी प्रजातियां ठंडे मौसम में दक्षिण की ओर प्रवास करती हैं, जहां वे अधिक अनुकूल जलवायु में शीतकाल बिताती हैं। साइबेरिया के पक्षी न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। साइबेरिया के सरीसृप। साइबेरिया की कठोर जलवायु और ठंडे तापमान के कारण यहाँ पर सरीसृपों की विविधता सीमित है। सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और अपने शरीर का तापमान बाहरी वातावरण से नियंत्रित करते हैं, जिससे साइबेरिया जैसी ठंडी जगहों में उनके लिए जीवित रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद कुछ सरीसृप प्रजातियां साइबेरिया की परिस्थितियों में अनुकूलित हो चुकी हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख सरीसृप प्रजातियां हैं। साइबेरियाई पिट वाइपर। यह सांप साइबेरिया के पूर्वी भागों में पाया जाता है। इसका शरीर मोटा और रंग आमतौर पर भूरा या धूसर होता है, जो इसे ठंडी और पथरीली जगहों में छिपने में मदद करता है। एडर। एडर, जिसे कॉमन एडर या यूरोपियन वाइपर भी कहा जाता है, साइबेरिया में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख सांप प्रजाति है। यह सांप ठंडी जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है और अपने विषैले दंश के लिए जाना जाता है। एडर आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों में पाया जाता है। साइबेरियन रैट स्नेक। यह सभी रैट स्नेक प्रजातियों में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत है। इसका रंग क्रीम सैडल से लेकर गहरे भूरे रंग के सैडल तक बहुत अलग अलग होता है। साइबेरिया में पाए जाने वाले कुछ अन्य सरीसृप हैं, विविपैरिस लिजर्ड और सैंड लिजर्ड आदि। साइबेरिया की जलवायु अत्यंत ठंडी और कठोर है। यहाँ सर्दियों में बर्फबारी और बर्फीले तूफान आम है। साइबेरिया की भौगोलिक विशेषताएं और यहाँ की अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह क्षेत्र अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक अनुसंधान में। तो आशा करते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर साइबेरिया और वहाँ पाए जाने वाले जीवों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे ऐसी ही और जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाकर रखें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।